लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल विच आप सब दा एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवी वीडियो समय सिर प्राप्त कर ली साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नू दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, तो इस वीडियो नू होरां नाल वध तो वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर, इस चैनल पर सारे विद्यार्थियों सारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जो अज की असं वीडियो लैके आपके सामने आए हाँ वह है 11वीं जमात लई पंजाब सिक्ख्या बोर्ड की जो सिलेबस है, जो किताबा ने इस समय दिल्ली बोर्ड में भी चलिया ने, तो वह लाजमी पंजाबी जमात 11वीं, जिस विच असी पंजाबी लोक साहित्य की गल कर रहे हैं। और अजे तक साढ़े 4 सुहाग हो चुके हैं, अज असी 5वां सुहाग करना है, जिस विच जो सिरलेख है वह है हरिए नी रस भरीए खजूरे। हुण जो खजूर है वह तो किसी सुके किसी मारूथल की उपज है, उसका एक बूटा है पंजाब का हरिया भरा इलाका जो है, उस विच खजूर का की महत्व है। यह जो खजूर का रूपक है यह पंजाब के हरे भरे इलाके विच किस तरह आ गया। किसी समय पंजाब बड़ा खुश्क इलाका सीगा, उस विच जिहड़ियां खजूरां बड़ियां दूर दूर नज़र आंदियां सी, ते वह उच्ची लम्मे खजूर इस करके क्या है क्योंकि यह जो व्याही हुई नवी कुड़ी है, जो मुटियार है, यह खजूर वांग उच्ची लंबी सोहनी है। परंतु इसके घरदियां ने इसका विआह बड़ी दूर किया है। पहले भी पिछले सुहागां की गल चली सी कि भावें कुड़ी दे मुंडे दे घर वाले जिन्ने मर्जी मातड़ साथी होण, गरीब होण, पर उन्हां गीतां विच, उन्हां लोक गीतां विच, उन्हां सुहागां विच, उन्हां घोड़ियां विच मुंडे दे घर, कुड़ी दे घर, उसके माता उसके पिता उसके घर नूं बड़ा बहुत वड्डे आकार विच जिहड़ा है ना उसनूं राजां दे घर नाल तुलना दित्ती जांदी है। मां नूं राणी मन्निया जांदा और प्यो नूं राजा मन्निया जांदा है। तो यह जो लंबी उच्ची खजूर वर्गी जो हुणे व्याही कुड़ी है, यह व्याह किसी दूजे यानी बहुत दूर किसी परदेसां विच व्याही जांदी है, तो जो उसका अपने घर तो विछड़ का जो दुख है ना, तुरेटे व्याही गई है मापियां तो भरावां तो अपने सारे उन्हां मोह वाले प्यार भरे संबंधां तो बहुत दूर व्याही गई है। हुण पता नहीं कदों वह उस घर विच आवे फेरा पावे। दूर व्याही गई है, मापियां दी याद आती है और पेके घर दी खिच है और मोह है। इस पूरे सुहाग विच वो जो बड़े खिच के यानी वो बड़े तनावपूर्ण जड़े है ना उस दृश्य पेश हुंदा। रूपक है दोबारा सुनिए, उच्ची लम्मी खजूर। उच्ची लम्मी खजूर का मतलब है नवी व्याई ए मुटियार जो हुणे व्याह के किसी बहुत दुरेडे इलाके विच गई है। इसनों प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न की है इत्थे देखदे हां, उत्तर की है यह कारण दिता गया। कारण की दिता है भी राजे बाप ने, क्योंकि उस इलाके विच वह राजा बाप है, राणी माँ है और बहुत वड्डा महलों विच रहिंदे ने, चंदन के बगीचियां वाले उसके महल ने, तो उस घर के उस कुड़ी के मेच लई बराबरी लई यह जो मुंडा है जो वर है बहुत दूर जाके मिले, यानी हाण दे बराबर दे रुतबे दे घर विआह करन लई राजे बाप ने उस कुड़ी नूं बहुत दूर विआह दित्ता। परंतु उस कुड़ी नूं अपने मोह दे रूप विच, अपने प्यार दे रूप विच बहुत सारा गड्ढे भर के दाज दिता है। वह जो गड्ढे भर के दाज मिले वह तो उस लई सुख दे साधन ने, परंतु वह जो माँ बाप दे प्यार दी खिच है, अपने घर दे प्यार दी पेके घर दी खिच है, उसके मन विच कसक है, एक पीड़ है। असी उसका जिक्र करते हैं इत्थे। मैं यह जो सुहाग है यह सिर्फ 6 लाइनां लिखियां ने, पहले भी दस्या सुहागां विच रेपीटिशन हुंदी है और इस रेपीटिशन नूं उस घर दे जिन्ने भी रिश्ते है उन्हां विच परो के पेश कीता जांदा है। लो जी असीं इत्थे प्रश्न पुछदे हां कुड़ी नूं, विआह दे गीतां विच कुड़ी नूं और विआह वाले मुंडे नूं हरिया, सुहागण या बहुत किस्मत वाला या बहुत किस्मत वाली, इस तरह के विशेषणां नाल संबोधन किया जांदा है। इस विच 6 लाइनां विच रिश्ते बदलणगे। हरिए नी रस भरीए खजूरे, किन दित्ता एडी दूरे। भी हे मुटियार, ए खजूर वर्गी उच्ची लम्मी सोहनी मुटियार, रस भरी का मतलब है तेरे अंदर जोबन है, जो तेरी सुंदरता है, जो तेरा रूप है वह बहुत भरिया होया है, तो इस रूप की भरी रूपमती मुटियार नू खजूर वर्गी उच्ची लम्मी सोहनी नू किसने इन्नी दूर, यानी कौन इन्ना निर्मोही है जो अपनी धी नू इन्नी दूर दुरेडे व्याहुंदा है। क्योंकि उसके मन में बड़ी उदासी है, बड़ी खिच है, तो फिर उत्तर दिंदी है बाबल मेरा देसां दा राजा। कारण दसदी है
उसके मन खिंचता है, दुखता है, पीड़ता है दूर जाने की, परंतु कारण यह है कि जो उसका पिता है जो बाबल है ना, वह देशों का एक देश का नहीं, देश का राजा नहीं, देशों का राजा नहीं, बहुत वड्डी धरती का मालिक है। उस दिता एड्डी दूरे, उसने इन्नी दूर दिता है, क्यों? क्योंकि राजे बाप ने अपनी बराबरी का साग लभन लिए, बराबरी का उसका वर लभन लिए किसी नेड़े माड़े धीड़े घर विह दिता, वो जो राजकुमारी बेटी वो दुख भोगती, इस करके बराबर के घर विहन लिए उसने एड्डी दूर उसका काज किया, विह किया। उस दिता एड्डी दूरे माता, कहते माता मेरी महलों की राणी, पिता तो महलों का देशों का राजा है, और जो माता है वो महलों में राज भोगती है और मेरे नाल बहुत प्यार है, इस करके दाज दिता गड पूरे। गड पूरे का मतलब है गड्ढे भर भर के, पूर का मतलब उस उपर तक भर के देना, यानी वह इन्ने इन्ने रिच ने, इन्ने इन्ने अमीर ने, राजे ने, राणी है, इस करके उन्होंने अपनी पुत्री दे अपनी धी के सुख लिए जिहड़ा दाज है वह भर भर के दिता है। हुण जिहड़ा सीन बदलता है, हुण इत्थे बाबल है, इत्थे माता है, इत्थे असीं देखते हैं रिश्ते जिहड़े किहड़े किहड़े ने, चाचा और चाची, मामा और मामी। हुण असीं इस नूं दूसरे रूप में देखते हैं, बई हरिए नी रस भरीए खजूरे, फिर प्रश्न पूछा जाता कुड़ी कोलों, किन दिता एड्डी दूर है, भी तेनों किसने इन्नी दूर ब्याह दिता है। इत्थे लिखांगे फिर चाचा मेरा देसां दा राजा, क्योंकि इत्थे लिखिया चाचा, चाचा मेरा देसां दा राजा, क्योंकि वह राजिआं दे खानदान दी है, पिता भी देसां दा राजा, वड्डे देशां दा, वड्डे इलाके दा राजा है, मोहतबर है, और माँ भी जिहड़ी है ना वह राणी है, महलां दी राणी है। इत्थे लिखांगे चाचा मेरा देसां दा राजा, क्योंकि मैं खानदान वड्डे तो वही हाँ, इस करके मेरा चाचा बड़े वड्डे देशों का राजा है। उस दिता एड्डी दूरे, वो मेरे नाल मोह करता सी, मेरे बराबरी का वर लभण लई उसने इन्नी दूर दिता। चाची मेरी महलों की राणी, मेरा माता पिता भी राजे राणी ने, मेरा चाचा भी राजा है, मेरी चाची भी महलों की राणी है। दाज दिता गड पूरे, पिता ने भी उस बच्ची के मोह में बहुत सारा दाज दिता अपने आशीर्वाद के तौर पर, और चाचे चाची ने भी उसनों गड भर के नहीं, गड्ढे पूर के नहीं, भर भर के दाज दिता। रिश्ता फिर बदलता है, रिश्ता आता मामे ते मामी का, क्योंकि सारे रिश्ते मोह वाले, प्यार वाले, खिच वाले है, एक आपसी बंधन वाले है, इस करके रूप बदलता है। हरिए नी रस भरीए खजूरे, फिर प्रश्न पूछा जाता उस मुटियार नू, रस भरी दम उस सुंदरता की परी नू, किन दिता एड्डी दूरी, तेनू इतनी सुंदर नू इन्नी दूर किन्ने ब्याह दिता, क्योंकि उस घर की याद चो चिंता विच, उस फिक्र विच बैठी है, उस उदासी विच बैठी है। कहिंदा हुण मामा मेरा देसां दा राजा, क्योंकि वह वड्डे खानदान दी है, पिता भी राजा है, चाचा भी राजा है, इत्थे मामा भी राजा है। मामा मेरा देसां दा राजा, उस दिता एड्डी दूरे, मेरे बराबरी का, मेच का, हाण का, समाजिक बराबरी का वर लभण लई उसने इन्नी दूर मैनूं व्याहिया। हुण इत्थे हैगा मामी मेरी महलां दी राणी, मेरी माँ भी महलां दी राणी, चाची महलां दी राणी, और मेरी मामी भी महलां दी राणी है। दाज दिता गड पूरे, तो इस तरह दसदी है कि मेरे परिवार ने, मेरिया इन्हां मावां ने, मावां दा मतलब मेरी माता ने, और मेरी चाची ने, और मेरी मामी ने मैनू गड्ढे भर भर के अपने आशीर्वाद के तौर पर यह दाज भरपूर दिता है। जो असं प्रश्न उत्तरां की गल करते हाँ, तो प्रश्न उत्तरां विच आ सकदा है बई हरिए रस भरीए खजूरे किसनू कहा गया, इस विच लिखांगे रूपमती सुंदर मुटियार जिहड़ी कि अपने परिवार तो विछड़ के बहुत दूर जा चुकी है। दूजा प्रश्न आ सकता है भी उसके दूर जाने का कारण की, असीं दसांगे दूर जाने का कारण यह है कि उसके पिता ने, उसके चाचे, उसके मामे ने उस दी बराबरी अपने खानदान का मेच लभण लई, उसनों बराबरी का वर लभण लई उसनों बहुत दूर विआह दिता है। इस विच किहड़े रिश्तियां का जिक्र है, असीं कहांगे माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, किहड़े मोह वाले रिश्तियां का जिक्र है, फिर दोबारा यही जिहड़ा उत्तर आएगा। व्याही होई मुटियार नूं किन्ना दाज दिता गया, गड पूरे, यानी गड्ढे भर भर के उसनों दाज दिता गया, क्यों? ताकि वह अपने सहुरे परिवार विच उस दाज दे नाल रंग माणे, खुशियां माणे। इस विच नवीं व्याही होई कुड़ी मुटियार किहड़े रिश्तियां नूं याद करी है, अपनी माँ, अपनी मामी, अपनी चाची नूं की कहिंदी है, उसनों महलां दी राणी कहिंदी है। ते पुछे गए प्रश्नों नूं बहुविकल्पी उत्तरां नूं अपने विवेक नाल, अपनी समझ नाल सही उत्तर देने ने। हुण इजाजत दिओ, वीडियो किस तरह की लगी, जे चंगी लगी तो अपने मित्रां, अपने साथी विद्यार्थियों नाल शेयर करो, तो इस तले अपने कमेंट जरूर देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, तो इस वीडियो होरां नाल वध तों वध शेयर करो।